अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका दोस्त अमीन अब्बासी। आज फिर काफ़ी दिनों बाद, आई गेस एक साल हो गया है, लास्ट जब व्लॉगिंग मैंने अपलोड की थी तो वो स्काउट कैंप की थी। और आज देख सकते हैं मेरे बैक साइड पे फिर दोबारा कैंपिंग है, तो हम फिर आज कैंप पर आए हैं। और इस दफ़ा आपको इनिशियल स्टार्ट से लेकर एंड तक की सारी अपडेट करेंगे कि अगर आप स्काउट कैंप पर आते हैं तो किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, कैंप किस तरह से मिलता है, कैंप साइट क्या होती है, कौन कौन सा सामान आपको लेके आना चाहिए और क्या चीज़ें करेंगे। और कुछ लोग यहाँ हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर हैं और काफ़ी टाइम से स्काउट कैंप पे आ रहे हैं, तो उनकी चीज़ें भी देखेंगे और उनसे भी राय लेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। तो चलें कुछ चीज़ें हम आपको दिखाते हैं। ये हमारा कैंप है, हम डिस्ट्रिक्ट साउथ हैं और दिख रहा है कि एक बच्चा जो है स्काउट खुदाई में लगा हुआ है। खुदाई की हो रही है क्योंकि यहाँ पर लगने हैं बाँस। मैं आपको मशवरा दूँगा बाँस लेकर आए, दूसरी लकड़ी लाएगा जैसा बाँस लगे हुए। बाँस एक तो ईजी लगता है और निकलता नहीं है आसानी से, फिक्स जल्दी हो जाता है। छः बाँस तो हमें इसलिए चाहिए, दो यहाँ पे गेट बनाने के लिए और चार बाउंड्री बनाने के लिए। एक बाँस हमने यहाँ लगाया, एक बाँस पीछे लगेगा। ये कैंप है हमारा, कैंप को आपको टाइट करना हो तो पीछे कर सकते हैं। कैंप के अंदर की डेकोरेशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कैंप के अंदर आप देख सकते हैं कुछ सामान हमने रख दिया है। और अच्छा, नीचे बिछाने के लिए आप ज़रूर कुछ लेकर आएँ, क्योंकि नीचे बिछाने की कोई चीज़ होती नहीं है, तो हम कुछ दरियाँ वगैरह लाए थे वो बिछा दिया है। सामान आप साइडों में लगा सकते हैं। कुछ सामान अभी इसलिए बिखरा हुआ है क्योंकि अभी हमने हमारे गैजेट्स वगैरह बने नहीं है, स्टैंड बन जाएंगे तो चीज़ें फिर हम लगा देंगे। तो साथ साथ हम चीज़ें अपडेट करते रहेंगे। सामने का एरिया आपका क्लीन होना चाहिए, इसके नंबर होते हैं, अगर गंदा होगा तो इसके नंबर कटेंगे। और एक और बात, कोई हरा पत्ता या ताज़ा पत्ता आपके सामने नहीं होना चाहिए कैंप के, उसके नंबर कटते हैं। और बाकी लोग भी आपको दिख रहे होंगे, काफ़ी सारे लोग हमसे बहुत पहले के आए हैं तो उन्होंने काफ़ी सारे गैजेट्स बना लिए हैं, तो साथ में रहेगा तो और भी चीज़ें देखते रहेंगे। यार अब यहाँ पे क्या बिछा है, 21 दिसंबर शाम के कुछ 4:30 बज रहे हैं। दोपहर का खाना इस वक्त खाया जा रहा है, ज़्यादातर हमारे बच्चे जो है खाना बना के लाए थे, तो देख ले, खिला तो आपको सकते नहीं है, सिर्फ दिखा सकते हैं, खा हम लेंगे। तो ये कुछ आज मिक्स खाने, बिरयानी, चिकन बिरयानी नहीं, अंडा घोटाला, लोबिया, छोले खा लिए, कबाब खत्म हो गए, देखने भी नहीं दिए। और भी बहुत सारी चीजें, और बाहर की तरफ काम चल रहा है। मगरिब की अजान हो गई है और माशाल्लाह मौसम आप देख सकते हैं कितना हसीन हो रहा है इस वक्त। और तकरीबन हर जगह स्काउट्स काम में लगे हुए हैं। और सामने भी देख सकते हैं दूसरे कैंप लगे हुए हैं और पंछियों की आवाज़ें आ रही हैं, तो एक हसीन मौसम फ़िलहाल इस वक्त हुआ हुआ है, तो उसका भी लुत्फ़अंदोज़ किया जाए। देखें आप माशाल्लाह स्काउटिंग के नज़ारा देखें, आप सिर्फ मौसम का नज़ारा देखें। तो इस वक्त रात के आई गेस 9:30 बज रहे हैं और 21 दिसंबर ही है पहला दिन है स्काउट का। रात का खाना खा रहे हैं, खाना दिखाते हैं किस तरह खाया जा रहा है। रात का खाना चल रहा है, चिकन बिरयानी आलू के साथ, वीआईपी बनी है, ये आयु भाई बना के लाया माशाल्लाह ने, मेरा प्यारा सा बच्चा। और ये मिस्टर अहमद खट्टे आलू, अभी तक मैंने चखे नहीं है खट्टे कैसे, तो सब एंजॉय कर रहे हैं। ये ऊपर स्पीकर लाए थे तो उसको लगा दिया, तो मतलब एंजॉय, बाहर ठंड हो गई है, लोग अपने इंजॉयमेंट कर रहे हैं और अलग एक्टिविटीज चल रही है। फिलहाल हम खाने पे कंसंट्रेट करते हैं, ज़्यादा देर मैंने लगाई तो मेरे लिए खाना बचेगा नहीं।